राजस्थान सरकार ने दूसरे राज्यों में फंसे प्रवासी और श्रमिकों को घर लाने की तैयारी शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वीसी के माध्यम से सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। सीएम ने कहा है कि अन्य राज्यों से सहमति के बाद ही श्रमिकों को लाया जाएगा, साथ ही दूसरे प्रदेशों के प्रवासी और श्रमिकों को भी उनके घर भेजा जाएगा, जिसके लिए प्रवासियों और श्रमिकों को एक हेल्पलाइन नंबर और ई मित्र राजस्थान .gov.in पोर्टल या ई मित्र क्योस पर पंजीकरण करवाना होगा। साथ ही कोरोना से बचाव के लिए नियत स्थान पर पहुंचने के बाद प्रवासियों और श्रमिकों को क्वारंटाइन भी किया जाएगा। जो प्रवासी या श्रमिक कर्फ्यू पास लेकर निजी वाहनों से आएंगे, उन्हें राज्य में एंट्री पॉइंट पर रजिस्ट्रेशन के बाद आने दिया जाएगा। सीएम ने अफसरों को निर्देश दिए हैं कि स्क्रीनिंग और जाँच की पर्याप्त व्यवस्था की जाए। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार कोरोना को लेकर मीटिंग कर रहे हैं, लगातार वीसी के जरिए अधिकारियों से अपडेट भी ले रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, अब किस तरीके से जो श्रमिक हैं, प्रवासी श्रमिक हैं, उन्हें किस तरीके से राजस्थान में लाया जाए, इसको लेकर सहमति जो है सीएम ने, हालांकि इसको लेकर निर्देश दिए गए हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अब किन किन राज्यों से सहमति बन चुकी है श्रमिकों को लाने के लिए, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में अगर श्रमिक आएंगे तो कई बातों का यहां पर ध्यान रखना होगा, खासतौर से सरकार की जो गाइडलाइन। तो चलिए इसी पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर श्रम मंत्री टीकाराम जूली जी इस वक्त जुड़ चुके हैं। टीकाराम जी, सबसे पहले बात करें तो यहां पर सीएम गहलोत ने इस बारे में निर्देश दे दिए हैं श्रमिकों को लाने के लिए, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि किन किन राज्यों से अब तक सहमति बन चुकी है। देखिए, अभी मुख्य तौर पे गुजरात और यूपी से सहमति बनी है और लोगों से भी सहमति बन रही है जी। अभी तक जो पश्चिम बंगाल ने अभी सहमति नहीं दी है जी, लेकिन हमें उम्मीद है कि जल्दी सभी जगह से सहमति हमें मिल जाएगी। और जो हमारे प्रवासी जो श्रमिक हैं वो अपने स्टेट के अंदर लौट के आएंगे जी। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात यह है कि टीकाराम जी, यहां पर कि इतनी बड़ी तादाद में जब श्रमिक राजस्थान में आएंगे तो सरकार की जो गाइडलाइन है, खासतौर से सोशल डिस्टेंस सबसे बड़ा मुद्दा है, उसका किस तरीके से पालन किया जाएगा, क्योंकि बड़ी तादाद में यहां पर श्रमिक आएंगे। देखिए, उनको लाने से पहले जैसे ही वो बॉर्डर पे आएंगे तो बॉर्डर पे जो भी नजदीक वहां पे सेंटर बनाया है, चाहे वहां पे स्कूल है या कोई भी ऐसी बड़ी जगह है जी, वहां पे उन सब लोगों को रखा जाएगा और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के लोग वहां पे अलग अलग जगह पे उनको रखेंगे और वहां से सोशल डिस्टेंसिंग से जैसे कि एक सीट पे एक ही सवारी बैठ के आएगी बस के अंदर, और उसमें ये नहीं होगा कि कोई बस के अंदर भीड़ हो, एक सीट पे एक ही सवारी आएगी और उसके बाद उसका पूरी जांच होगी और जांच के बाद भी उसको होम क्वारंटाइन और होम आइसोलेशन के अंदर उसको हम रखेंगे 14 दिनों तक, और उसके बाद ही उसको पूरी जांच के बाद ही वो आम लोगों से मिल सकेगा। बिल्कुल, और जब इतनी बड़ी संख्या में जब मजदूर यहां पर आएंगे राजस्थान में, उनकी एंट्री होगी तो क्या घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी सरकार की होगी? हाँ, पूरी घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी होगी। जैसे बॉर्डर पे आएंगे फिर वहां से जिले वाइज उनको भेजेंगे और वहां से वो सब जिला कलेक्टर उनको वहां कोऑर्डिनेट करेंगे और जिले के अंदर आने के बाद भी उनको गांव तक घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी जिला कलेक्टर की रहेगी। और जिसमें अगर कोई मजदूर है, गरीब परिवार है, वहां पे उसकी स्थिति ऐसी नहीं है कि वो होम आइसोलेशन में रह सके, तो उसको क्वारंटाइन करने की भी जिम्मेवारी हमारी रहेगी और हम उसको क्वारंटाइन रखेंगे, 14 दिन के बाद ही उसके परिवार से मिलने देंगे। तो चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए और हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर श्रम मंत्री टीकाराम जूली जी हमसे जुड़े हुए थे और यहाँ पर बता रहे थे कि किस तरीके से जो श्रमिक हैं, प्रवासी जो श्रमिक हैं, उन्हें किस तरीके से लाया जाएगा और हर उस बात का ध्यान रखा जाएगा, हर उस बात का यहाँ पर ख्याल रखा जाएगा, खासतौर से सोशल डिस्टेंस को लेकर यहाँ पर उसका फॉलो किया जाएगा, सरकार की तमाम गाइडलाइन का फॉलो भी किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात उन्होंने ये भी कही है कि
जितने भी जो मजदूर यहां पर आएंगे, राजस्थान में आएंगे, उनको घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी जो रहेगी वो सरकार की ही होगी।